पहले कहाँ हुआ था हाजिर हो? उसको सबसे पहले ना बड़ी दरगाह है अपनी नासिक की, शहनशाह नासिक, उसमें सबसे पहले हाजिर हुई थी, सबसे पहले हाजिर हुआ हुआ था। उसके बाद बहुत तकलीफ हुई, बोलता था कछोचा लेके चलो वहाँ निकल जाऊंगा, कछोचा भी लेके गया, कछोचा में भी नहीं निकला, वासी पे आ गया। वापस आने के बाद फिर वापस जैसी की वैसी शुरू। उसके बाद हमने दो तीन मौलाना को दिखाए, उनको भी यही बोला मैं जा मैं निकल जाऊंगा आज के बाद नहीं आऊंगा। फिर हर दिन ऐसी जो रहा, फिर तकलीफ चालू हो जाती। अभी यहाँ लेके आए, नाम वो निकले किसने डाला था? तो हाँ नाम बोले ना, किसने डाला था? बड़े बाप का नाम बोले। कौन? ससरे के? उसके बाप के तरफ के? नहीं, हमारे बाप के। तुम्हारे तरफ के? दुश्मनी है तुम्हारी उनकी कुछ? नहीं। कुछ हुआ था कि जमीन जायदाद पे झगड़े बिगड़े? नहीं नहीं, बस वो हर बार ये निकलता था कि शादी नहीं होने देने की थी। इसके पहले उन्होंने भी मैं ऐसे ही करे थे, रिश्ते बांध लिए थे। फिर मैं शादी से पहले करे आला है? हाँ, शादी के पहले भी रिश्ते। फिर तुम्हारे कौन है? नो मेरी बहन है। अच्छा, हो गई शादी इनकी? हाँ, शादी हो गई, छोटा बच्चा है। रिश्ते बांध लिए थे तो फिर कहाँ इनके शोहर? शोहर कहाँ इनके? इनके शोहर नहीं आए। क्या करते हो? वो अभी डेटा मेटिक्स में काम करते। बोले तो कौन से कंपनी में? अच्छा अच्छा पंखे की स्पीड कम कर, इसे चालू कर। लाइट गई। लाइट गई। लाव जकड़ के लाव वायर उसको तेजी से लगा, पूरी ताकत लगा के जल्दी जकड़ लो उसके हाथा भी जकड़ लो तेजी से। बहुत तकलीफ हो रही मुझे, बहुत तकलीफ हो रही। छोड़ दूंगा बस, तकलीफ ना लेना, छोड़ दूंगा। तकलीफ मत देना बस, मुझे तकलीफ मत देना, मुझे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, बस मुझे तकलीफ ना देना, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। तकलीफ मत देना मुझे, लगाओ उसके अंदर तेजी से आग, लगाओ जकड़ लो तेजी, जकड़ो। बताओ उसको ना लायक को किसके सामने आने दो, लगाओ उसके अंदर तेजी से आग लगाओ। ये उसके नाक में पीठ पे खड़ी रखी, खानों पे खड़ी रखी, खींची स्पीड में उंगली से लगाना और उसको लो, चलाओ उसके अंदर से जकड़ के तेजी जकड़ लो उसको। बताओ उसको उसकी औकात क्या है? तो यार तकलीफ नहीं दूंगा रे, छोड़ दे रे, नहीं दूंगा रे। नाक में जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो, जलाओ उसको उसके अंदर से आग लगाओ तेजी से। बताओ एक नाक में एक उंगली लगाना, जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो उसको। नहीं दूंगा तकलीफ, नहीं दूंगा। अरे बाप रे, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं यार, क्या करूं। अरे बाप, अरे बाप रे, डालो उसको तेजी से जंजीरा डाल के कसो और उसके अंदर से आग लगाओ तेजी से। जकड़ लो उसको, जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो।
कसरत बहुत तकलीफ हो रही था यार, छोड़ दो ना। अरे बहुत तकलीफ हो रही ना, अरे बहुत कसम से बहुत तकलीफ हो रही यार, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना बाबा, छोड़ दो ना। मैं कसम खाता हूँ आज, आज तुम्हारे दर पे मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ा दरबार है, ये बहुत बड़ा दरबार है हजरत, ये बहुत बड़ा दरबार है। मैं आज मेरी माँ की कसम खाता हूँ, मेरे बच्चों की कसम, मेरी औरत की कसम, मेरे पूरे परिवार की कसम हजरत। मैं को छोड़ दो, मैं सानिया को छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा मैं सानिया को। बहुत तकलीफ हो रही है हजरत, ओ हजरत बहुत तकलीफ हो रही ना, छोड़ दो, छोड़ दो यार, छोड़ दो। इतनी तकलीफ मत दो हजरत, मेरे ऊपर रहम कर लो, रहम कर लो हजरत, रहम कर लो, मत दो मुझे तकलीफ, इतनी तकलीफ मत दो बस। मैं बहुत गुनहगार आपकी चौखट पे आया हूँ सरकार, आपसे सच्चे दिल से मैं आज तौबा करता हूँ, पैर पड़ता हूँ, अस्तगफार पड़ता हूँ कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैं बहुत तकलीफ दिया इसको, बहुत तकलीफ दिया, बहुत तकलीफ दिया मैंने, इसका दिमाग बंद करके रख दिया, इसका दिमाग चलता नहीं, ससुराल में रहने देता नहीं था मैं उसको, ससुराल में रहने नहीं देता था मैं, चार दिन से ज्यादा मैं उसको उसके दूल्हे के पास नहीं रहने देता था। मैं बोलता था तेरे बाप भाई तुझे गालियां देंगे, पर तेरी वही जिंदगी दाल, वही मार, वही रहे, वही रहे तू, भले तेरे को कुछ भी बोले तू वही रहे, ससुराल में मत जा। मैं बहुत तकलीफ, उसके अंदर से और तेजी से आग लगाओ, जकड़ लो उसको, जकड़ के तेजी से आग लगाओ, जलाओ उसको और तेजी, जलाओ। आज रात मैंने बहुत तकलीफ दिया, बहुत तकलीफ दिया, बहुत तकलीफ दिया हजरत, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ हजरत, हजरत मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि मैं आज के बाद उसकी जिंदगी में नहीं आऊँगा हजरत, मैं आज के बाद आपके पैर पड़ता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ हजरत, आज से मैं तौबा करता हूँ। लगा पूरी ताकत कितनी तेरी नाल है, अब तो जकड़ लो उसको तेजी से। हजरत मैं तौबा करता हूँ, मैंने बहुत तकलीफ दिया, मैंने बहुत तकलीफ दिया, बहुत सताया, बहुत सताया, जकड़ो उसको तेजी से, जलाओ उसके अंदर आग लगाओ तेजी से, लगाओ उसको, जलाओ तेजी से, जलाओ। आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ हजरत, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज मैं सच्चे, मैंने पूरे घर को उसके परेशान कर दिया था हजरत, पूरे घर को परेशान कर दिया था, हाँ उसके बाप के कान नंदे पूरे बंद करके रख दिया था, पूरे बंद करके रख दिया था। और क्या करा था? मैं ये नहीं मैं चाहता था कि उसकी शादी ना हो, क्योंकि मैंने इसके पहले उसके रिश्ते बांध दिया था ना, तो उसने क्या मालूम क्या पढ़ी क्या करी, उसके रिश्ते वापस खुल गए, उसका इतना अच्छा रिश्ता हो गया, तो फिर मैंने उसके रिश्ते के दिन ही उसका काम कर दिया, उसका दिमाग बांध दिया कि ये पागल हो जाए और इसको ससुराल वाले ना रखे, ये इसको छोड़ दे, इसका शौहर इसको तलाक दे दे, पर वो कुछ भी नहीं हुआ, मैं नाकाम हो गया, हर चीज़ से मैं नाकाम हो गया हजरत, आज आपकी चौखट पे मैं तौबा करता हूँ हजरत कि मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदगी इसकी बख्श दो हजरत, हजरत मुझे बहुत तकलीफ हो रही है हजरत, मैंने इसके बाप के कान धंधे इसकी मंगनी के बाद से बंद करा दिया था कि ये शादी करा देगा, पर अगर इसकी शादी फिर भी हो गई, क्या मालूम कैसे करके हो गई, इनकी तकलीफ इतनी थी कि इनके घर में मैंने झगड़े लगा दिया था, इनको सुकून नहीं देता था मैं, इनके घर में बस किटकी दुश्मनी क्या थी, नहीं दुश्मनी बस यही थी कि ये लड़की बहुत
अच्छी थी, सबसे हंस बोल के रहती थी, किसी का दिल नहीं दुखाती थी। सही सही दुश्मनी बोल। बस मुझे उससे शादी नहीं कर उसकी शादी नहीं होने देने की थी। छोड़ मत उसको, आओ तेजी से लगाओ उसके अंदर। आ मैं सही सही बता रहा, उसके हाथ में झूठ नहीं बोल रहा। छोड़ नहीं उसको, छोड़ मत उसको, जला दे रहा उसको तेजी से। आपके दरबार में टुकड़े करेंगे आज उसको पूरे। आपके दरबार में बैठा है, झूठ नहीं बोलेगा। आपके दरबार बहुत बड़ा है हजरत, आपके दरबार में झूठ नहीं बोलेगा। आप तो मैं इसको छोड़ कर ही जाऊंगा हजरत। हजरत मेरे को उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बस इतनी ही दुश्मनी थी कि इसकी शादी ना हो, शादी ना हो, बस इतनी दुश्मनी थी। फिर भी इसकी शादी हो गई। जादू चलाते टाइम पे कौन लेकर था उसका कपड़ा, वो बाल, वो क्या लेकर थे? कुछ भी नहीं लेके गया था। जादू कैसा चला है? मैंने इसको देख लिया था बस नजर से। सही बोल। हाँ सामान खींच दूंगा तेरी बाहर पूरी कमी ने। मैंने इसकी शादी की दुपट्टा था, जब वो पहली ही बार प्रेग्नेंट हुई तो मैंने ना उसकी शादी के दुपट्टे की जो कोर थी ना वो काट लिया था। अच्छा, तो इसका हमल भी गिर गया था पहला। अच्छा, और फिर दूसरी बार इसको फिर से प्रेग्नेंट हुई तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। बस इसकी माँ बोलती थी इसकी खून की कमी है, इसको खून की कमी है। बस कपड़ा किसके हाथ से काट के मंगाया था तूने? खुद काटा था कि किसके हाथ से मंगाया था? मेरी औरत के हाथ से। तेरी औरत के? हाँ। तेरी औरत का क्या नाम है? रूबीना। रूबीना। हाँ। कब काटी थी उन्होंने कपड़ा, कौन सा दिन था? वो दिन शनिचर का था। शनिचर का था। कितना काट के ले गए थे कपड़ा? बस इतना सा, जरा सा कपड़ा। हाँ। रंदे छोड़। बस इतना सा। पानी लियो गिलास में, रुकिला उसको काट लगाओ उसके पेट में से भी आग लगाओ, चलाओ उसको तेज से। जब वो ना उसके ससुराल से भाग के आई थी, मतलब मैंने ही उसको भगाया था वहां से। वो दिन था बहुत बुरा, दशहरे की तो इसकी सास ने, इसकी ननद ने इसको कुछ एक बात बोले हजरत, हजरत तो मैंने एक ही बात बोला कि आप तुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। तो मैंने बहुत झगड़े लगा दिया था, बहुत हंगार लगा दिया था हजरत। तो ना इस मैंने बस ऐसे ही निकाला वहां से। लगा रहा तेरे अंदर और तीस से अंदर का खत्म कर दिए तुझे पूरा। मेरे को ऐसे ही छोड़ दो ना। कहां से लाए थे तुझे पकड़ के? कब्रिस्तान से लाए थे, मस्सन वाटिया से लाए थे? तो कहां से लाके डाले वो बच्ची के आंख में? मस्सन से। हां मस्सन वाटिया से।
कौन से गांव के मसन वाटे थे, कहाँ के थे? जल्दी बोल कितने? गंगा। गंगा क्या? गंगा गोदावरी। सीधा बोल। गोदावरी गंगा। गोदावरी गंगा कहाँ से लाए थे? हाँ। गांव कौन सा था? नासिक। नासिक में से लाए थे? हाँ। जादूगर को कितने पैसे दिए थे? जला उसको, तेज से जला, उस अंधेरा को उसके ऊपर तेज से। अरे जड़ दो ना, मैं करूंगा ना अभी, आज के बाद किसको तकलीफ दे? जकड़ो उसको और तेज से जकड़ो उसको, जकड़ लो उसको और तेज से जकड़ो। जड़ दो ना, अरे किसको रे? हां तेज से जकड़ो उसको, किसको नहीं दूंगा। हां तेज से जकड़ो उसको, मैं किसको तकलीफ नहीं दूंगा अभी। अभी मैं तुम्हारे पास पांव पड़ता, किसको तकलीफ नहीं दूंगा। बता कितने लोगों को मारा था अभी तक जान से? कितने लोगों को खत्म करा? मारा नहीं, मारा भाई किसकी है? मैंने सिर्फ इस पे, सिर्फ मैंने है ना, मतलब मैंने इसको पागल कर दिया था, तब भी इसके ससुराल वाले है ना इसको लेने के लिए आ जाते थे। क्या चल, हमको तेरे बिगर नहीं होता सानिया, चल तू एक बार है ना, वो उसके बेटे को लेके आ गई ना घर पे, तो है ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसका पल्ला खींच करा देंगे। तो उसका ससुराल गया उसको लेने, तो मैंने बोला क्या, क्यों भेजे उसको? तो तब भी मैंने तो बस यहाँ से, मतलब वो इतवार के दिन गई है, और अगले हफ्ते इतवार के दिन उसको घबराहट शुरू, क्या बहुत तकलीफ हो गई थी। तो फिर वो शहनशाह नासिक के दरबार में आई, वहाँ हाजिर हो गई, सबको मालूम पड़ गया किसको करने वाली, इतने दिनों से नहीं हाजिर होती थी वो। मुद्दत कब बना रहा तूने उसकी? तो इतने दिनों, मुद्दत कितने दिनों की है उसकी? कब मारने आई है? सही से बोल, कब मारने आला उसे? नहीं मालूम। इसको तेजी से आग लगाओ, इसके अंदर जरा भी छोड़ो मत उसको। नहीं मालूम हजरत, छोड़ दो ना, मैं नहीं करूंगा आज के बाद किसी के साथ ये गलत काम, नहीं करूंगा हजरत। मैं आज बहुत बड़ी चौखट पे आ गया हजरत, मैं तुम्हारे से तौबा करता हूँ, माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी माँ के, मेरी माँ की कसम खाता, मेरे तीनों बच्चों की कसम खाता, मैं सबकी कसम खाता, मुझे माफ कर दो। उसकी शादी की रज्जे का था उस दिन उसका, तो मेरी औरत को बोला था कि उसका पार्लर कर रहे, उसको घर पे बुला, अपन उसको मच्छी में रात मिला के खिलाएंगे। मैंने मच्छी में खिलाया था उसको, बाम मच्छी में मैंने उसको खिलाया था हजरत, खिलाया था मैंने उसको बाम मच्छी में खिलाया था, रात के टाइम पे खिलाया था, 8 बजे खिलाया था। कब था, कौन सा टाइम था? शाम को 8 बजे खिलाया था। हाँ, वो जुम्मा का दिन था हजरत, हाँ बस जुम्मा का दिन था हजरत, वो बस मैंने उसको झपिच खिलाया था। हाँ मैंने खिलाया था उसको मच्छी, मुझे तकलीफ ना खोदो, बस मेरे, अब मुझे ना छोड़ दो तुम, बस पानी पिला रहे उसको, तो मुझे जोड़ दो ना, मुझे जोड़ दो ना, मुझे No.
पेट में आग लगाओ, जलाओ उसको तेज से अंदर से। पूरी ताकत लगा क्या? ले लू बन के तेको पकड़ के डाल दू बाटल के अंदर, टुकड़े कर दू तेरे, कर दू भसम। करेगा उसको परेशान? सही सही बोल, अब आएगा क्या दोबारा उसके आंख पे? उसको पानी नाला वैसे ही बोलता हूँ। कब तक बोलेगा तू? ना उसको पानी नाला, उसके पेट में से आग लगाओ, उसके पेट में फंसा के बिठाने वाला है दवा डाल के। परेशान कर रहा करूं तेरे बच्चों को परेशान? देखता हाँ, पहले नंबर वाले को मारने लगूं? पहले क्या क्या फोड़ने लगा उसके? बोल क्या लाऊं उसको? हड लाके मारने लगूं? भेजूं यहाँ से फौज? हाँ, दूसरों के बच्चों को मार रहा तो परेशान करके तो कमी ने कुत्ते ही बात तो। हाँ, कुत्ते बच्चे बच्चे, दूसरों के बच्चे नहीं बच्चे। जलाओ उसको तेज से, जलाओ उसको कमीने को अंदर से, आग लगाओ उसके। आओ हजरत छोड़ दो ना। अरे और कुछ पूछाने का है क्या? और कुछ पूछाने का है क्या? रास्ते पाता हर बार ऐसे ही करता, उसने भी इतना सब तरह एक ही बात करता, मैं चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। छोड़ के गा उसको लोग चिमक के जैसा खींच के वापिस बुलाती, कहीं भी बिगान कहीं भी मना के दवा उसको वापिस खींचती उसको, तो स्वास्थ्य जा रहा नहीं हूँ कमी ना हो। नहीं असरा, चले जाऊंगा अभी, चले जाऊंगा, चले जाऊंगा। क्यों दिया दूसरे जगह पे चक में इतने बार? कचो चा के रही है मखदूम पाक के पास जाने के बाद क्यों नहीं गया वहाँ? क्यों दिया धोखा? वजह बता मुझे जल्दी। बोल जल्दी वजह बोल। छोड़ दो ना। जलाओ उसको कमीने को, तेज जलाओ।
डालो उस जंजीर का कुत्ते जिससे हर बार जब स्टार्ट में आया था ना जब एक ही बात बोलता था वो मजदूम पागल लेके चलो वहां निकल जाऊंगा पागल लेके चलो वहां क्यों रे वहां जाने के बाद क्यों नहीं कहा था तू दरगाह पे जाने के बाद क्यों नहीं गया था तूने बोला था 8 दिन तेरा वादा था तेरी जुबान थी ना वहां जाने के बाद जाने वाला था तू फिर क्यों नहीं गया था तस्वीर की तरफ उंगली दिखाने का और बोलने का मैं इधर लेके चलो मैं निकल जाऊंगा और रे 8 दिन वहां थे कहां है उधर का चलो चलो सवाल का जवाब यहाँ पे भी धोखा देने की सोच रहा पलट के और सोच रहा उसके आंग में पूरा टुकड़ा करा दूंगा तेरे जरे जरे टुकड़ा करा के पूरा खत्म कर दूंगा ये हमारे घर में रहती ना अच्छी रहती उसकी सास ससुरों के आ गई 4 दिन के अंदर झगड़े करके वापस आ अरे वहां की कौन लगा रहा झगड़े उसकी ससुराल में कौन कर रहा है झगड़े कौन लगा रहा है झगड़े नहीं झगड़े नहीं लगा सकता मैं उसके दिल में अपराध डाल देता अरे तीस नहीं हो कितनी गल यहां से मैं ये सोचता था उसके दूल्हे को तल लाग दे दे हमारे घर में भी रहती ना मगरिब में कभी कुछ त्योहार रहा तो मगरिब से लेके तो ईशा तक कैसी भी आवाज कड़ी है डकार जोर जोर से डकार लेती इसका दिमाग बंद कर गया समझता बस एड़े के जैसी रहती है सब निकाली या नहीं निकाली मैं वापिस सब उसके बीमार है मतलब जितने लगाया था ना अभी मार के डालू तेरे पूरा भसम कर दू पूरा भसम नहीं नहीं इधर लगाओ तेरे हाथ में छुपा के नहीं 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 नह
मत कर उसके कपड़ों को लग जाएगा रे बहुत जल्दी उठा पन्नी लावा है से पहले जल्दी जल्दी पन्नी दवा निकलना चालू हो रही उसकी जल्दी आग दराब उन्हें निकलता है बरोबर पोछ पूरा फैला मत बोला मुझे बरोबर पोछ के ले पूरी दवा बाहर निकलना पूरी सारी अंदर बाकी ना रहना بسم الله اللهم فاقسم بعد والله فعلم الغيب شهد انت الرحمن اللهم اني احد اليك في حاضر حياة الدنيا اشهد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اشهد ان محمدا عبدك ورسولك وعلى ذلك الا الله نصف عينك انت بالله الا نفسك تقرب لي لشهد مخاد واني يا جراح رحمتك فجعل لنا من توفي الا يوم القيامه انك لا تخلف المياه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين چل باہر نکل अगर उसके मुंह को लगा हुआ चल निकल बाहर पूरा बाहर पूरा बाहर निकला तो तुझको छोड़ूंगा ना पूरा मार के डालूंगा अंदर का अंदर ही बाप का राज चल रहा था बजा चल बाहर पूरा बाहर पूरा बाहर नहीं हजरत उसको जला के बाहर ला उसके पेट में जली दवा बाकी मत रख दो पूरी मार के निकालो मच्छी के सालन में डाली है दवा चल जल्दी पूरी मार जलाओ उसके पेट में जला के लो तेज से जलाओ जकड़ लो उसके पेट में जकड़ के बाहर लाओ जला के और दो उसको तकलीफ लोगों को तकलीफ देने वाले को जरा अच्छी तकलीफ दो उसको और तकलीफ दो उसको जलाओ उसके पेट में कमजोर कर दो उसको पूरा खत्म कर देंगे कमजोर कर करके बाहर नहीं आया तो लाओ उसको बाहर जकड़ के चला जल्दी मार को दीवा है डालो उसको पानी डालो उसको और उसके पेट में आग लगाओ तेज से पूरा बाहर पूरी दवा बाहर जला के लो उसके पेट में इस दवा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चल निकल बाहर मार उल्टी पूरी दवा बाहर ला उसकी दवा को मार के बाहर निकालो उसको कमीने को बहुत चक में जरा था लोगों को इलाज मालूम जोर जोर से चिल्ला के बोलता मैं गंदे इलाज में मेरे को कोई कुछ नहीं करता ऐसा और गंदे में अमल को कोई कुछ नहीं कर सकता देखा अल्लाह कलाम की कैसी ताकत है निकालो उसको मार के बाहर में गंदे अमल की ताकत बता रहा था उसको बताओ अल्लाह कलाम की ताकत मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे अंदर गंदा इलाज में बोले और जोर जोर तोड़ दो ये दोनों हाथ जकड़ लिए ना जकड़ो उसके हाथों को और तेजी जकड़ो तोड़ेंगे उसके बाद जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो और एक डाउट सब लोगों का दुनिया में बहुत बार मैंने सुना सब लोगों का क्लियर करता हूँ अभी कि लोग बोलते कि गंदा अमल गंदे अमल से कटता ये शिर्क है ये बोलना भी शिर्क है और मुसलमान इसको अगर मानना भी जो बोलते ना शिर्क शिर्क दरगाह पे जाना शिर्क वहाँ जाना शिर्क के झंडे लेके नाचने वालों तुम्हारा शिर्क के डिफिनेशन इतने मालूम गधो
شرک کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور تمہارا عقیدہ اللہ پہ سے ہٹ کے کسی پر ڈائریکٹ عقیدہ چلے جانا اس کو شرک بولتے ہیں. اللہ کے ذات میں کسی کو شامل کرنا, وہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور بے شک اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ساتوں زمین ساتوں آسمان میں. سب سے بڑا ادھر کیمرا گھوما, سب سے بڑا کیا بولتے تو تمہارا ڈاؤٹ یہ ہے, کلیئر کرتا ہوں آج میں, کہ لوگ کہتے کہ گندا عمل گندے عمل سے کٹتا, کالا جادو کالے جادو سے کٹتا. بالکل غلط بات ہے وہ, کیونکہ سب سے بڑی طاقت ساتوں زمین ساتوں آسمان میں اللہ کے کلام کی ہے. تم جو عقیدہ اگر ایسا رکھیں گے کہ کالا جادو کالے جادو سے کٹتا, تو تمہارا عقیدہ کلام پہ سے ہٹ گیا, کلام الہی پہ سے, اللہ پہ سے اور ادھر چلے گا. اس کا مطلب معاذ اللہ تمہاری سوچ میں ایسی بیٹھ گئی بات کہ کالے جادو سے کٹتا, لوہا لوہے سے کٹتا. بالکل بے بنیاد بات ہے وہ, کیونکہ فیض دینے والی ذات اللہ کی ہے, زخم دینے والی ذات شیطان کی ہے. تکلیفوں میں ڈالنے والا, پریشان کرنا لوگوں کو, وہ سب شیطان کے ہاتھ میں اختیارات ہے, وہ کالے جادو کے پاس ہے. اور کالے جادو سے فیض نہیں مل سکتا تمہاں کو, الٹا ہو سکتا, تباہ بربادی برائی وہ سب نحوست ہی لگا سکتے, اور وہ بھی کتنے دیر کے واسطے لگا سکتے, وہ کچھ پانی پے کا بلبلا کا سر تھا اتنے دیر کے لیے, زیادہ کچھ نہیں. کلام الہی تم اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے, صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گے, تو خود بخود یہ چیزوں کو مار پڑ کے سب کو نکال کے ہٹا دیتے, پھینک دیتے. اور کوئی کالے جادو کی طاقت نہیں ہے کہ جو کالے جادو سے کٹے گا, کیونکہ جادوگر کے پاس صرف لوگوں کو پریشان کرنے کی طاقت رہتی, کہ لوگوں کو پریشان کرنا, نحوستی میں ڈھکلنا, اس کے پاس فیض پہنچانے والی طاقت نہیں رہتی. فیض اللہ کے کلام کے اندر ہے, ساری دنیا کے واسطے ساتوں زمین ساتوں آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے بھیجا تھا, اور فیض اللہ نے اس کے کلام میں رکھا. اللہ جادو ٹونے کے اندر فیض نہیں ہے, وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا. جادو سے نہیں کٹتا, ایک بار بھی نہیں کٹتا. وہ جھوٹ بولتے وہ لوگ کہ جادو سے کٹ رہا, بلکہ تمہاں کو اور بیوقوف بنا کے خسارے میں ڈال دیتے تمہاری زندگی, تمہاں پورا تباہ برباد کر دیتے. جادوگر کے پاس جانا شرک ہے, کیونکہ تم جادوگر کے پاس جا کے جادو کا کام لے رہے تو تم بہت بڑا گناہ کر رہے, وہ شرک ہے. درگاہ پہ جانا شرک نہیں, بیوقوف درگاہ پہ تو اللہ کی رحمت برستی, کیونکہ اللہ کے بزرگان دین ہیں, نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے, نہ پانی نہ کھانا نہ بیوی نہ بچے نہ تمہاری جیسی کمائی نہ دمائی, کچھ نہیں دیکھے انہوں نے. اللہ کے لو میں مٹ گئے اور مٹا دیے خود کو, اس واسطے اللہ ان پہ راضی ہے اور ان پہ رحمت برستی. اور وہاں جائیں گے تو وہاں پہ تمہارے اوپر بھی رحمت کے چھیٹے برسیں گے, اور تم جادوگر کے پاس جائیں گے تو وہاں لعنت برستی اور تمہارے بھی لعنت کے چھیٹے برسیں گے. جادو ایک بات یاد رکھنا, کبھی کالا جادو کالے جادو سے نہیں کٹتا, امپوسیبل, کیونکہ فیض دینے والی ذات اللہ کی ہے. جادوگر کے پاس کہاں سے فیض دیں گا, وہ تو برا کرنے بیٹھا تھا. فیض اللہ کے ہاتھ میں اختیارات, شیطان ابلیس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اختیارات فیض دینے کی. کس کو فائز دینے والی ذات؟ صرف اللہ کی, اللہ کے کلام میں فائز ہے. نالائقو یہ بات یاد رکھو ذرا. ارے میں چھوٹے بھائی کو بھی تکلیف بول رہا تھا دینے کا. توڑ دوں گا تیرے دونوں پیر, جکڑو اس کے پیروں کو. ہاتھ پیر بہت دکھ رہے آپ, میرے کو پوری طاقت ختم ہو رہی ہے. بہت بڑی جادو کی طاقت نہیں کر دینا تیرے پاس, بتا تیری جادو کی طاقت چلتی کیا اللہ کلام کے سامنے, دیکھیں گے پتا چلا کے بتا, اتنی طاقت ہے تیری بتا. میں کھڑے رہنے کے لائق کا نہیں رہا میں یہاں. بہت بڑے بڑے باتیں کرتا تھا, بولتے پہلے جادوگر ہے, کالا جادو ہے, کوئی ہٹا نہیں سکتا. میرے چھوٹے بھائی کو بول دیا وہ کرنے کا, وہ چلے گا سعودی, اس کو بھی کیا کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا اس کو, صحیح بول. اس کے اور کمزور کرو, اس کو اور مار کے باہر نکالو, اس کے ہاتھ توڑ دیں گے, جکڑ لو اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں بھی جکڑ لو, اس کے تیز سے. میرے ابا میرے بھائی چھوٹا, پوری دوا باہر نکال, چلو پانی کو گھر پلاؤ. چھوٹے بھائی پہ بھی بہت وہ کرتے تھے, پورا لینے کا کھڑے رہ کے پانی کو ڈال رہا, بات کون کر رہا, کدھر جا رہا, جدھر جو بات کرا ادھر کیمرہ جانا. میرا کچھ نہیں بتایا اس نے, میرے چھوٹے بھائی کا, ابا کا, ارے اس کا, جکڑ لو, تیزی جکڑ لو, جلا دیں گے پورا ختم کریں, جکڑو اس کا.
तोड़ दूंगा दोनों भी पैर और दोनों हाथ अंदर। दस तारीख को जाने नहीं देता था उसको ना, अड़पट्टे डालते थे पासपोर्ट बनाने जाता था ना नहीं नहीं पिछले साल 10 तारीख मोहरम की अब बोलता भी वो मोहरम की 10 तारीख नहीं रहती ना जाने नहीं दिया था बोले। अरे उसको कमजोर कर दो चलाओ जकड़ लो उसके पाँव और से जकड़ो निकाल पूरी दवा बाहर निकाल पूरी दवा बाहर इधर लगाओ उसको फुका दे कम करा के लो नहीं ना मेरे अंदर की ताकत खत्म हो गई हजरत आप पूरी ताकत खत्म हो गई नहीं रे तेरे में तो जादू की ताकत है ऊपर जादू की ताकत है करते ना जादू बहुत बड़ा रहता बोल रहा ना तू पानी पेगा बुलबुला तेरा जादू देखेंगे क्या करता काला जादू तो कहीं भी जाता ना तो बोलता मैं गंदे ही लाऊं मेरे ऊपर कुछ नहीं करता। अच्छा अरे गंदे में अमल वाले कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखा पाक अमल में कैसी ताकत है देखा अल्लाह का नाम ताकत खड़े भी नहीं जा रहे जलाओ उसको और कमजोर करो जलाओ जगो उसको तेज जगड़ो बंद क्या देखा कैसी ताकत है तो अल्लाह कलाम की देखा है कोई जादू की मिसाल लगाओ उसके अंदर से हाथ की बोल नहीं ना अरे मेरे को अरे बाप अब मैं पूरा कमजोर हो गया लगाओ उसको और तेज से आग लगाओ उसके अंदर कमजोर करो तेज से करो हजरत आप पूरा कमजोर कर दिए एक उंगली एक नाक में लगा कितनी देर से सिखा रहे थे वो आप पूरा कमजोर हो गया ये देखो काट देता हूँ तेरे पैर काटने लगा नहीं ना जुलूम देने वाले लोगों को अब तुझे मैं बताता हूँ क्या रहता जुलूम तो काटू तेरे पाँव अब इन्हें मैंने कभी जुलूम नहीं दिया लोगों को मेरे पास इतनी फौज रह के हाँ लोग गाड़िया नदियों में फेंकने लगा सकता था मैं उठा उठा के खबरस्तान को पहुंचाता था लोगों को मैं मगर मैंने कभी कुछ नहीं करा ना रे किसको अरे मेरे पैर उठ रहे नहीं जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो अरे बाप नहीं उठ रहे हैं कुछ नहीं गए और किसको दे रहा हूँ सही सही बोल मुझे मेरे भाई को मेरे अब्बा इसके भाई को इसके अब्बा को इसके दूसरे बहनों को किस किस को तकलीफ नहीं आती नहीं बहन भी अच्छा घर में किस किस को करा देता हाँ नहीं मैं किसी को तकलीफ नहीं देता मैं सही बोलो काट लो उसके पाँव मेरे पाँव काट में लगा दूँगा वहाँ से जकड़ो उसके पाँव को और तेजी से जकड़ लो जकड़ो उसके पाँव को जकड़ो तेजी से अरे बस 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 मुझे क्यों नहीं देता तकलीफ मेरी दोनों कुछ क्यों दी क्यों नहीं दिए तकलीफ दो बहन भाई क्यों कर पूरी बाहर पूरी बाहर पूरी दवा बाहर बोल हम दो भाई है तो मुझे नहीं ऐसी कि दोनों बहन भाई क्यों अरे दो कुछ क्यों नहीं मैंने इसके भाई को भी नहीं दिया तकलीफ उसको कौन करा मैं सच्चे सच्चा सच्चा सब बोलता मैं झूठ नहीं बोल रहा इतने बड़े दरबार में इतने बड़े हजरत के पास मैं झूठ बात नहीं करने वाला झगड़ने लगा तुम जरा और इससे पहले बोला बोले वो जो गया ना बोले उसको भी जानने दे रहा था बोले पर मुहर्रम की 10 तारीख थी मेरा जादू चला नहीं बोले और रे नहीं 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 मुहर्रम की 10 तारीख को निकला बोले घर से बोले नहीं नहीं मैं करने वाला था पर मैंने करा नहीं उसको पर मैंने उसको करा नहीं कौन कर रहा फिर उस पे जादू नहीं उस पे जादू भी तो नहीं है और मेरा नाम तो लेना नहीं बाबा अब इसमें मेरा नाम बीच में लेना नहीं मैंने उसको कुछ करेला नहीं मेरा नाम बीच में लेने का नहीं उसके बारे में मैंने उसको कुछ करेला नहीं है सही बोलना पड़ता है तोड़ दूंगा दोनों पांव आता हो सकते हैं मेरे भी काम धंधे का मेरा भी कुछ करेला इसका काम धंधा क्यों नहीं बनता इसके बनते काम क्यों बिगड़ रहे इसके पूरे मैंने उसको भी कुछ नहीं करेला है सही बोल क्या लिखता था उसको जादू चलाते टाइम पे सही बोल नहीं ए देख मैंने उसके बाप को भी क्यों तकलीफ दिया हुआ है मैंने सही बोल सही बोल इसका बाप क्या बोलता मैं अकेला हकदार है अच्छा क्या बोलता कि मैं अकेला हकदार है ऐसे बात था प्रॉपर्टी का तो मैंने उसको बोला तू अकेला हकदार बन रहा और हम कहां गए तू अकेला अकदार बन रहा और हम कहाँ गए तो ये वजह से मैंने उसके काम नंदे बंद कर दिया वो शिवसेना में था जब कार भी लिया था उसने और बहुत कुछ मतलब अच्छी इज्जत वो बना लिया था पर इसने इतनी बड़ी बात करा था ना ये वजह से मैंने उसको तकलीफ दिया था मेरे तो मेरी इससे क्यों कोई दुश्मनी नहीं थी मैं पहलवान है मैं मारता नहीं बस मैं इसी
नहीं गया किसको तकलीफ दे देता, मैंने बहुत पाए दुखे तोड़ दिए हो पैर झगड़ लो उसके पैरों को और तेज झगड़ो जरा बताओ उसको अल्लाह कलाम की ताकत। इसके बाप को मैंने तकलीफ ये वजह से दिया कि ये बोलता कि मैं अकेला हकदार है। उसको बताओ उसको सारी दुनिया की इल्मा उसके जितने भी गंदे सब यहाँ के पानी भर के उसको बताओ उसको नाला को झगड़ो उसको और तेज। क्या फरिश पूछा था ना मैंने आके तुम्हारे लोगों को जमीन जायदाद का मैटर है क्या? नहीं ये कुछ बात ही नहीं करता था पहले ऐसी। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी बात निकाली अब सही से बोल रहा हूँ। अरे जमीन जायदाद का मैटर मैं तुम्हारा वातिस पहले पूछा ना देख लिया था सारी तरफ कई को उसका हक उसको दे देना था ना किसी का हक नहीं मारना ना गलत बात है ना। किसका हक नहीं है उनका एक बेटा है उनमें से एक का बेटा है तो ये मेरे दादा के नाम पे उनके अब्बा ने क्यों कह रहे थे ये चार घर नाम पे पूरा पाड़ा के मेरे दादा को कोई शौक नहीं था। मेरे दादा थे स्कूल में हेडमास्टर प्रिंसिपल थे और ये चारों जो बैठे हैं इनको दारू इसके बहुत शौक थे तो इन्होंने क्या सोचे थे कि इसके कहने रहेंगी इसके नाम पे सलामत रहेंगी। हाँ तो उनका दिए हाँ तो अभी भी बोलते घर वाले भी बोलते तुम खर्चा करो और तुम्हारे तुम्हारे नाम पे करो वो बोलते तुम करके तो हम कैसे करेंगे तुम खर्चा करो तुम्हारे नाम पे करना है तुम्हारे को जगह तो जगह के वास्ते मीटर के वास्ते और बच्ची की जिंदगी सबकी जिंदगी खराब करके डाल देते अभी भी घर वाले यही बोलते हैं कि तुम अभी तक ये उन्होंने रीजन कहीं नहीं बोला था पहली बार यहाँ पहली बार बोले ये पहली बार निकला ही सब अब यहाँ सब सही से ही बोल रहा हूँ हाँ। सारे बात सही से बोल हाँ। जैसा तेरे घुटने बन के डाले हाथा बन के डाले तो तेरी जबान भी बाहर खींच के बन दूंगा पूरी चल निकाल पूरी दवा बाहर निकाल जरी भी अंदर दिखना नहीं मेरे को परेशानी उसको जरी भी नहीं दिखना डाल रहे गिलास पानी फुका पिला लगाओ उसके पेट में से आग लगाओ और उसके पेट में की सारी दवा बाहर निकालता नहीं हूँ जब तक जलाते रहो उसको। अरे मेरे को खड़े भागना भाग जाएगा बोल के तेरे बंदी आ ले बनो उसके घुटनों को और के बनो भागने मत दो उसको कमीने को नहीं जा सकता भी तू कहीं पे भी नहीं जा सकता उठ जल्दी और पूरा खत्म करूंगा चलो खिलाओ उसको चल निकाल पूरी दवा बाहर जरी अंदर दिखना नहीं मेरे को देखो ऐसी दास्तान रहती है अगर कहीं का लगे वाला शैतान रहा तो एक मिनट में वो जब निकल के चल जाता उसको ग्यारह नहीं निकल के तो खिला के छोड़ा लड़ता उसको खिला के छोड़ा लाइफ वो वैसा फंसा दिया लड़ता अंदर तो उसको निकाल के ना बाहर फेंकना होता है निकल जल्दी जल्दी बाहर लगाओ इधर पुका के اللهم فاطمني احد اليك في هذه الحياه الدنيا لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اشهد ان محمدا عبدك ورسولك فلا ذكرني الله رب العالمين ذكرني الله نفسي تخرج من الشر المقاد واني لا ادعو الله برحمتك فجعلني تجعل التوفيق لك يوم القيامه انك لا تقل في الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واصحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين लाओ उसको पूरा जकड़ के जला के बाहर लाओ चल बाहर जल्दी तो ताकत नहीं रही ना अब तो चलने की भी ताकत नहीं है हाँ
बाहर खुद ही मार जल्दी। डालो उसको पानी और लगाओ उसको पेट में। बच नहीं सकता तू जब तक तू निकलेगा नहीं पूरा बाहर जरा भी नहीं। चल निकल बाहर। देखे इस वास्ते तुम्हारे ताया वो लोगों ने जादू करना करते थे जो बोलता हूँ तुम्हारे ताया ने करे करे जमीन जायदाद तुम मेटर में से पहले शादी पे से बताया अभी तक इसकी से बताया पहले शादी पे से ही बताया इसको से बताया पहले तो हमेशा हर किसी के पास जाते थे ना कोई शादी का रीजन इतने था झूठ बोलता था अभी तक शादी के वक्त का दुपट्टा काट के लिख गए थे अब जादू टोना करे जमीन जायदाद के मैटर पे तुम बात पहले बोला सही सही खोल रहा है पूरा राजा मार बहुत पड़ती ना उसको नहीं बोला तो उसको पूरा भस्म कर देते दोबारा बच्ची को परेशान नहीं हां दोबारा अब दोबारा तू आया आन पे फिर लेके आने आ रहे हो मेरे पास आएगा क्या जोर से बोल नहीं पूरी ताकत लगा के बोल आएगा क्या नहीं करेगा दोबारा परेशान नहीं जोर से नहीं करूंगा पूरी ताकत लगा के बोल नहीं करूंगा और जोर से नहीं करूंगा दोबारा नहीं कुछ क्या में कभी जोर से बोल जलाओ जरा पैरों में उसके लगाओ आग तेजी से और जलाओ 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 तेजी जलाओ उसके पैरों में जलाओ दो टुकड़े करूं तेरे धड़ अलग मुंडी अलग कर देता पड़ के ठीक है मुंडी हाथ में लेके फिर ना इसको कुछ नहीं करता इसका दिमाग बंद करा था तेरी खोलता नहीं खोलता उसका दिमाग तू कब खोल रहा अब भी खोल इसी वक्त खोल उसका दिमाग जल्दी खोल जलाओ करा उसको कि दिमाग में बैठा जलाओ उसको जलाओ जलाओ तेजी जलाओ लगा रही तेरे पुकार उसकी नाक में कम करा लगाओ उसके दिमाग में बैठाओ ने उसके दिमाग में आग लगाओ तेजी से देखा अल्लाह कलाम के सामने कैसा जेर होना पड़ता है रहमत है वो अल्लाह की सबके वास्ते दुनिया वालों के वास्ते मैं अल्लाह को नमाज पढ़ो इबादत करो शर्म करो जरा जलाओ इसको और तेज जलाओ क्या बच्ची परेशान हाँ और कुछ पूछना है क्या रहता है बोल नहीं बस वही क्योंकि हर बार ऐसी हर एक की कसम खाता हूँ गरीब नवाज की कसम खाता मैं चले जाऊंगा और क्यों कसम तोड़ा तूने अभी तक की कसम खाता मैं चले जाऊंगा क्यों तोड़ा इतने कसम फिर 8 दिन के बाद वापस क्यों तोड़ा इतने कसम बोल जल्दी क्यों कूटे इतने कसम अभी तक हाँ वैसा थोड़ी ज्यादा उसके लाओ उसको पूरा भस्म कर दिए उसको तारे का सामान लाओ उसकी कसम इतनी बड़ी-बड़ी कसम खाता हूं कसम खा के नहीं गया कमीने तू बस हां कसम में चले जाऊंगा सब ऐसी कसम खाता और नहीं जाता अंदर
देखा कई ताकत है अल्लाह कलाम की। हाँ। देखा नहीं देखा। हाँ। चल बाहर निकल जल्दी जरा अंदर बाहर निकल। कैसी मार पड़ी यही मजा और उसको सजा दे रहा था तो आई क्या मजा। क्या हुआ किसकी हो मेरी तुम जाओ ना बाहर क्या कर रहे अंदर बैठ के उनको बताने का है। ये मेरे साडू है एक बॉय। चलो उनको आगे आ जाओ वो मचन। जलाओ उसको और तेज जलाओ कमीने को जला दो। वालेकुम सलाम यहां आ गया। चलाओ कर दूं भसम पूरा।
बोल पानी डालो उसके पेट में, लगाओ उसके अंदर से आग। पन्नी पकड़ सामने उसको खाली तुम लोग पकड़ के रखकर उसके मुंह का ने नाक में लगाई थी एक नाक में उंगली जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो और उसके अंदर से आग लगाओ। टच मत करो उसको, दूर से टच मत। जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको, मारो नहीं मत, और जलाओ उसको, तेज जलाओ उसके अंदर आग लगाओ। जला के बाहर लाओ उसको, छोड़ो मत, जलाओ उसको तेज से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरा बाहर लो उसको, जला के पूरा बाहर लो, लाओ उसके पेट में आग लगा दो, तेज से आग लगाओ पेटों में उनके, जलाओ तो तेज से आग लगाओ उनके पेटों में, बताओ उनको अल्लाह कलाम की ताकत कितनी रहती, दो कोई जादू टोने की औकात नहीं उनके, सारे दवाएं मार के बाहर लाओ आग लगा के। सबसे बड़ी साफ़ ज़मीन का बाल, जलाओ उनको तेरी बाहर लाओ। कहाँ जा रहा कमीने, बैठ नीचे जल्दी, बैठ, बैठ ना तो और जंजीर डालूँगा दोनों घुटनों में हो। जलाओ, 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 तेरी से आग लगाओ उसके अंदर।
जलाओ तेजी से आग लगा खींचो कमी मकड़ा है जलाओ। ए इधर कैमरे पे ध्यान दे बच्चों को बाहर लेके आओगे ना जलाओ उसको तेजी से जलाओ तेजी से जलाओ जरा भी नहीं छोड़ना उनके अंदर तेजी से आग लगाओ No, 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 no,
जल्दी बाहर निकल। चपरे कमीने आ गया, चपरे यहाँ तक आ गया, जल्दी पानी का ले रहे हो तो। चल आ गया जल्दी, जकड़ो उसको, जकड़ के रखो उसको, छोड़ो मत अभी, जकड़ के लाओ उसको आगे, जंजीरा डाल के और तेजी से कसो उस पर जंजीरा। अरे आ गया, और आ गया, और आ गया, जल्दी पूरा बाहर। पानी पिलाओ उसमें, निकालो गिलास में पानी। हेलो, बाप का राग चल रहा सालो तुम्हारे। हाँ बोल, कमीनो लोगों को परेशान करने को। हाँ मैं तुम्हें 5 मिनट का फोन लगा बोल रहे, लड़की से गिलास खोल डाले उसके पेट में। हाँ खाए में मिला खिलाए जो बच्ची को दवा। हाँ बोल, कौन करे थे जादू? जल्दी सवाल का जवाब, जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, मैं पूरा पसंद कर दूंगा। हाँ खाए में मिला खिलाए तो बच्ची को, किधर के उसके ससुराल की तरफ के, मायके की तरफ के लोग? कौन खिलाया? मायके वाले ने? हाँ ससुराल वाले ने? तेजी जकड़ो उसके दोनों हाथों को, जकड़ लो तेजी से, जकड़ो और आग लगाओ उसके हाथों के अंदर, दोनों हाथों में आग लगाओ उसके। चलो इनको चला कर उनको नाला है, छोड़ मत इनको जब तक पूरा वक्त उबलेंगे नहीं सही सही। जकड़ो उसके हाथों को, छोड़ो मत उसके हाथों को, और तेज जकड़ो। दवाखाने में उसको दवाखाने में कहीं का लगे आला नहीं है, वो खिला के छोड़े आला है। दवाखाने में लगे आला होता तो सीधा हाजिर होकर बात करता था, खिला के छोड़े आला है तो उल्टियाँ होते हो। खिला के छोड़े आला, कोई दवाखाने में झपड़ झपड़ नहीं हो, दवाखाने में ज़्यादा पकड़ा हुआ मैंने, वहाँ से मौका मिला वहाँ पकड़ने को। तो कौन खिलाए क्या खिलाए वो आगे पूरा उसको कमज़ोर करा के निकालते बाहर, उसको मालूम था। घर को जाने के बाद भी उल्टियाँ सब होते, ऑटोमेटिक मोशन आने लगते, उसमें वो पूरी क्या बोलते दवा निकल जाती। और उसके बाद में उनके उतार भी करना पड़ता दोनों के, कुछ लिख के देंगे सामान वो दुकान पे चलाना, फिर वो सामान पढ़ के देंगे वहाँ, फिर घर को ले जाके चलाना करना माला करना ऐसा, और राइड होते होते हो जाते, सब पलटाना चालू कर देते उसी तरह का उधर, तो वहाँ को लेके आना पड़ेगा उनको महीने में एक चक्कर, महीने में एक चक्कर, दो तीन बार लेके आना, पूरा नील करा देते खत्म। पानी ला रहे और क्या बोलते थे, हाँ बोल क्या नाम तुम्हारा? वो दोनों को भी वो बंद करो, उनके दोनों भी पन्नियों के मुंह, और उनको जा जाते कब्रिस्तान में डालो उनको। लो हाथ में लो, कहाँ है वो पन्निया? हाथ में लो दोनों भी, छोड़ने नहीं जमता वजन नीचे। तो नहीं,
पकड़ लो उनको, जब ही बंद कर देना पड़ता उनके मुँह। अब जाते जाते रास्ते में जो कब्रिस्तान लगता बड़ा, वहाँ पे कब्रिस्तान में डाल देने का, चल जाने का। कल तक आ जाएगा तुम्हारे, बताओ उनको कमीने लोगों को, जमीन जायदाद के वास्ते बोलना इतना था, चचा था या तुम्हारे वहाँ ले जाना था अब्बा को पकड़ के मस्जिद में, वहाँ करना था फैसला। अच्छा जादू टोने करके जिंदगी ख़राब करते बोलना, कमीनों की इसकी भी ड्राखा ला के सालन में मिला के खिलाया था उन्होंने, मच्छी के सालन में घर पे दावत दे के, क्या 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 वो देखो उसमें सब है दास्तान। अरे पर वो नहीं डालो तो अच्छा है।